हांडी मटन को कुकर में ऐसे बनाएं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता, आपकी दोस्त, और मेरे यूट्यूब चैनल फूडी अनीता पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबों को कुकर में हांडी मटन बनाना सिखाने वाली हूं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने 1/2 kg मटन लिया है। इसे मैंने अच्छी तरीके से धुलकर हल्दी, नमक और मस्टर्ड ऑयल के साथ मैरिनेट कर लिया है 2 घंटे के लिए। आइए अब मसालों की तरफ चलती हूँ। जितना मैंने मटन लिया है उतना ही के आसपास थोड़ा कम मैंने प्याज लिया और 2 पार्ट में मैंने कर दिया है। इतना को फ्राई करूंगी, उसके बाद मटन फ्राई करूंगी और साथ साथ कुछ कच्चे प्याज भी डालूंगी। सबसे पहले मैं तड़के की बात करती हूँ। जब मैं कुकर में तेल डाल लूंगी, उसके बाद तेल को गर्म होने के बाद इतना सारा चीज डालूंगी। इसमें आपको शुरू से बता देती हूँ, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, हरी मिर्च और साबुत लाल मिर्च भी है, साबुत लहसुन भी मैंने 2 ठो लिया है। हांडी मटन के लिए ये जरूर से डाला जाता है। कुछ गरम मसाले लिए हैं मैंने, खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री और ये पत्थर के फूल हैं, और एक छोटा टुकड़ा सिनेमन स्टिक्स का भी लिया है। आइए अब इन मसालों में आप सबों को दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या लिया है। ये लहसुन है और ये किचन किंग मसाला पाउडर है, यहाँ धनिया पाउडर है, ये सौंफ थोड़े से क्रश कर लिए हैं हमने, और इनमें मैंने डाला है जीरा, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज और तेज पत्ता, और ये है मस्टर्ड ऑयल। हांडी मटन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मस्टर्ड ऑयल। तो आइए चलिए इस हांडी मटन को कुकर में हम लोग बनाते हैं। इस कुकर को थोड़ा पहले गर्म कर लेंगे। ये मस्टर्ड ऑयल करीब 70 से 80 ग्राम है, ये सारा इसमें पड़ जाएगा। अब थोड़ा इसको गर्म होने देंगे। ये देखिए हमारा तेल अब थोड़ा गर्म हो चुका है। अब इसके टेम्परेचर को बिल्कुल लो कर दूंगी। उसके बाद ये जो खड़े मसाले हैं ये सारे मैं डाल दूंगी और 1 से 1.5 मिनट तक ऐसी लो टेम्परेचर पर इसे फ्राई करूंगी। एक से 2 मिनट हो चुका है। अब ऑनियन को डालकर इसे सेमी फ्राई होने तक फ्राई कर लूंगी। अब टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देती हूँ मैं, ताकि ऑनियन अच्छे से फ्राई हो सके। दोस्तों, मैंने इसमें थोड़ा मीट मसाला पाउडर भी डाला है। शुरू में बताना मैं भूल गई थी, लेकिन अभी बता दे रही हूँ, क्योंकि इन पीसे हुए मसालों में मैंने कुछ सूखे मसाले भी डाले हैं। हल्दी मिर्चा तो डायरेक्ट कुकर में ही डालूंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इन सबको मिला देती हूँ, ताकि ये भी अच्छी तरीके से इन मसालों में घुल जाए और सारे मसालों की खुशबू एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाए। ऑनियन को फ्राई करते करते अगर 1 पिंच के आसपास इसमें सॉल्ट डाल देंगे तो हमारा ऑनियन जल्दी फ्राई हो जाएगा। हमारा ऑनियन सेमी फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे मटन। टेम्परेचर को हमने मीडियम पे सेट कर दिया है। अब इसमें मटन को डाल देंगे। और फुल फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट तक एकदम से तेज टेम्परेचर पर भून लेंगे, ताकि इसका पानी इसी में एब्जॉर्ब हो जाए।
मटन को भूनते भूनते इसमें हम लोग कच्चा ऑनियन भी थोड़ा सा डाल देंगे। ताकि हांडी मटन वाला फ्लेवर आ सके। मटन को मैरिनेट करते समय भी मैंने थोड़ा सॉल्ट डाला था और ऑनियन फ्राई करते समय भी सॉल्ट डाला था, इसीलिए जब आप मसाले डालें तो अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्ट डालें। मटन के पानी एब्जॉर्ब होने तक इसे भूनना तो है, लेकिन बीच बीच में इसे ढक भी देना है। सारा खेल इसी ढक के भूनने में है दोस्तों, क्योंकि हांडी मटन में ढक कर जरूर से खूब भूना जाता है। ये बिना पानी का ही बनता है हांडी मटन। तो अपने हिसाब से इसके टेम्परेचर को लो मीडियम पर कर ले अब, और इसे भूनते हुए 10 से 15 मिनट तक पकाएं। इसे बीच बीच में चलाना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकता है, और जैसे चिपक जाए अगर तो तुरंत ही उसे टेम्परेचर को कम करके उखाड़ लें, नहीं तो ये ज़्यादा जल कर कड़वा भी हो सकता है। क्योंकि हमें भुना हुआ फ्लेवर लाना है ना, जलाना तो नहीं है। ये देखिए मैंने टेम्परेचर को बिल्कुल लो करके पूरे अच्छी तरीके से सब तरफ से जो मेरा नीचे चिपक रहा था सबको निकाल लिया है। टेम्परेचर को फिर से मीडियम पर लाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से भुन जाए। ये इधर देखिए इन मसालों में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और मसाले भी ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, आप अपने हिसाब से, अगर आपके घर के में ज़्यादा मेंबर है, ज़्यादा मसाले चाहते हैं तो आप ज़्यादा डालें, मैं तो इसमें से आधा ही डालूंगी। ये देखिए हमारा मटन पूरी तरीके से भून भी चुका है और ऑयल भी छोड़ने लगा है, कहीं भी खड़े ऑनियन नहीं दिख रहे हैं आपको। अब इसमें हम लोग अना कहीं चिपक रहा है आप देख सकते हैं, अब इसमें हम लोग मसाले डालेंगे। तो ये जो मैंने मसाला बनाया है उसका मैं 3 चम्मच के आसपास, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। ये मैंने मसाले डाले, ये है लाल मिर्चा पाउडर, ये ज्यादा तीखी वाली नहीं है, ये है हल्दी पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर है, लेकिन मैं इसमें से आधा डालूंगी, आधा लास्ट में डालूंगी। अब इन सबको भी एकदम लो मीडियम टेम्परेचर पर ऐसे ही ढक्कन से ढक ढक के थोड़ा मसालों को भून लेना है 5 से 7 मिनट के लिए। दोस्तों मैं इस मटन को भूनते भूनते इसमें जो मैंने मसाले डाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारियां दे दूं। जीरा हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। सारे जो मैंने मसाले डाले हैं सब हेल्थ के हिसाब से बहुत ही फायदेमंद हैं। काली मिर्च आपके खराश को नहीं आने देगा। बहुत सारे मसाले इसमें ऐसे हैं गरम मसाले, वो भी हेल्थ के लिए एकदम सही है। और सौंफ से आंखों की रोशनी तेज होती है इसलिए मैंने सौंफ भी डाले हैं। प्याज से कैलोरी कम होती है। जैसे जैसे मैं आगे प्रोसेस इस हांडी मटन का बनाती जाऊंगी आपको इस मसालों के फायदे भी बताती जाऊंगी। लहसुन से जॉइंट पेन नहीं होता है, अदरक से भी बॉडी पेन कम होता है। तो इसमें मैंने तेज पत्ता 1 पीस कर भी डाला है और 2 पत्ते खड़े भी डाले हैं, इससे भी वेट लूज होता है। फोरन में मैंने सिनेमन स्टिक्स भी डाले थे, उससे भी वेट लूज होता है।
जितने भी खड़े मसाले हैं सब बॉडी के लिए फायदेमंद हैं। किसी भी नॉन वेज आइटम को अगर आप एकदम स्लो कुक करेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया बनेगी, स्वाद में भी और हेल्थ के लिए भी। मटन को बिल्कुल धीमी आंच पर भूनते भूनते मैंने अपने तरीके से इसे बनाना चाहा है, तो आप मेरे तरीके से एक बार इसे बनाकर देखें। आधा चम्मच से भी कम थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है और थोड़ी सी काला नमक है। एक बार मेरे तरीके से भी बना के आप लोग देखिए। ऐसे तो आप लोग बहुत फ्लेवर के मटन खाए होंगे। लेकिन मेरे तरीके से बनाकर एक बार देखें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि ये जो हांडी मटन मैंने कुकर में बनाना चाहा है वो आप सबों को कैसी लग रही है। तो अभी चलिए इसको ढक देती हूँ। ये देखिए हमारा मटन पूरी तरीके से भून चुका है। ये देखिए अभी से ही कितना टेस्टी दिख रहा है। अब इसमें जिस कटोरी में मैंने मसाले रखे थे उतने में उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी पानी है डाल ली है, इसमें डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद दो सीटी लगाकर इसे बना लेंगे। तो चलिए अब इसमें सीटी लगा लेती हूँ मैं। अब मैं कुकर को लगा लेती हूँ और दो सीटी के बाद आप सबों से मिलती हूँ। फिर हमारा कुकर दो सीटी मार चुका है, अब इसे हम लोग ऑफ कर देंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। अब ये पूरी तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है, हालांकि अभी भी गर्म है। ये देखिए कितना शानदार बना है ये हमारा हांडी मटन कुकर में। आइए अब इसे पॉट में मैं निकाल लेती हूँ। दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें इतनी ग्रेवी मैंने रखी है, अगर आप चाहें अगर राइस के साथ खा रहे हैं तब तक तो ठीक है राइस रोटी के साथ, अगर आप ऐसे ही हार्ड ड्रिंक के साथ इसे लेना चाहते हैं तो उसके पानी को पूरा ड्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा हांडी मटन बंद कर बिल्कुल रेडी है। बस इसके ऊपर बस डेकोरेट करने के लिए थोड़ी सी धनिया पत्ता मैं रख देती हूँ। आप चाहे तो इसमें डालकर खा भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे द्वारा बनाई गई इस हांडी मटन की रेसिपी पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर से देंगे ताकि हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को थोड़ा हौसला भी मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी में मिलती हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।